गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू बेस्ट ऑफ माइंड चैनल। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 8 ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 8। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्टली हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ए ग्रुप ऑफ डैश बिट्स इज कॉल्ड बाइट। इसका आंसर आएगा ए, 8। 8 बिट्स को हम बाइट बोलते हैं। सेकंड है बिट और ए बाइनरी डिजिट में बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल डैश एंड डैश। इसका आंसर आएगा 01। ए आएगा इसका आंसर 01। रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर आएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसका आंसर आएगा ए, रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ है ईच ट्रैक ऑफ ए डिस्क इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शन नोन एज सेक्टर। इसका आंसर आएगा ए। नाउ राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट इज एमबी, मेगाबाइट, जीबी, जीजाबाइट, रैम, स्टैटिक रैम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये थी हमारी जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है? इसका आंसर ये आएगा जो पॉइंट टू रिमेंबर में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस ऑफ कंप्यूटर वेयर ए कंप्यूटर कैन स्टोर ऑल द रिक्वायर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग दैट डाटा। मीन्स मेमोरी क्या है? वो स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे जो कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सब कुछ स्टोर होता है, वो उसकी मेमोरी होती है। देन सेकंड इज़ राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। इसका देखिए आंसर, हाँ जी, ये है नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज। जस्ट आपने नेम देने हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरीज, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। जो ऊपर वाली 3 हैं ये इंटरनल मेमोरी है, नीचे वाली जो 3 हैं दीज आर एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये आप टाइप्स ऑफ मेमोरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। दिस प्राइमरी मेमोरी 80 पेज नंबर पे है जो पैराग्राफ। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। मीन्स जो CPU है इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। दीज मेमरीज आर लोकेटेड क्लोज टू CPU, बिल्कुल पास में होती है मेमरी, ये CPU में मदरबोर्ड में होती है। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमरी वेरी क्विकली। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा दैट द CPU नीड्स इमीडिएटली। दीज मेमरीज आर फास्टर दैन सेकेंडरी मेमरी। मीन्स ये फास्ट होती हैं, जो हमें जल्दी चाहिए होता है जो डाटा, उसको हम प्राइमरी मेमरी में स्टोर करके रखते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ राइट द नेम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। यू हैव टू जस्ट गिव द नेम ऑफ द रोम, डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस। फर्स्ट इज़ एम रोम, मास्क्ड रोम, फुल फॉर्म लिखनी ज़रूरी है। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये टाइप्स हैं रोम की। देन एक्सप्लेन रैम एंड रोम। रैम में ये आएगा, ये जो पैराग्राफ दिया है 1, पेज नंबर है हमारा 81 पेज नंबर पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है रैम लिखा हुआ है, ये आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा दैट अवर कंप्यूटर सिस्टम इज एक्टिवली यूजिंग सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। इट इज़ ए रीड राइट मेमोरी, विच मीन्स वी कैन रीड फ्रॉम अ राइट इन टू दिस मेमोरी। मीन्स इसमें हम रीड भी कर सकते हैं मेमोरी, राइट भी कर सकते हैं। जो रोम होती है उसमें जस्ट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, ये मेन डिफरेंस है इसमें। बट वी कैन नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, इसमें परमानेंटली स्टोर नहीं होता डाटा। इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी, विच मीन्स स्टोर डाटा, जो उसमें डाटा स्टोर होता है अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो वो जो डाटा है दैट विल बी लॉस्ट। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट वाई बैकअप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS जो है वो यूज़ किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है तो जो डाटा हमने टाइप किया या सेव किया, वो सेव नहीं किया, मीन्स जस्ट टाइपिंग कर रहे हैं अभी सेव नहीं हुआ है, तो वो डाटा
हमें नहीं लॉस्ट हो जाएगा वो डाटा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये होता है, एक तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, दूसरा रीड एंड राइट बोथ वी कैन डू इन दिस रैम में। देन रोम, रोम में क्या होगा, देखिए रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, वी कैन ओनली रीड इनटू इट बट कैन नॉट राइट इनटू इट, इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी इज वी कैन स्टोर डाटा इन दिस परमानेंटली। ओके, तो ये रीड ओनली मेमोरी है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एक्सटर्नल मेमोरी। जो एक्सटर्नल मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी को, ये मेमोरी है कि जो कंप्यूटर में नहीं है, हम उसके अलावा जो बाहर से कोई मेमोरी यूज़ कर रहे हैं स्टोर करने के लिए डाटा, जैसे कि सीडीज़ यूज़ होती हैं, हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं, डीवीडी यूज़ होती है, तो ये सारी एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी वाला क्वेश्चन भी है वो आप यहाँ यही वाला करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी करेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज, मैग्नेटिक होती हैं ये, बैकअप एंड रीयूजेबल, डाटा स्टे इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑन परमानेंट बेसिस अंटिल इट इज़ नॉट ओवर रिटन और डिलीटेड बाय द यूज़र, मीन्स ये परमानेंट होती है, हम इसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, नॉन वोलाटाइल है, रिलायबल है, कन्वीनियंट है, कैपेसिटी थोड़ी अगर हम जितनी मर्जी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बड़ी सीडी जिसमें मतलब कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट है, लेसर एक्सपेंसिव है, और कंप्यूटर में स्टार्ट विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, इसके बिना भी स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बट ये प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो करैक्टरिस्टिक्स में आप लिखोगे सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी बोथ आर सेम बट आर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ये लास्ट जो पॉइंट है पेज नंबर 85 पे, ट्रैक्स क्या है, जो डिस्क है इट इज़ डिवाइड इनटू सर्कल्स, जैसे सर्कल आपको दिख रहे हैं डिस्क में, तो ये जो सर्कल्स हैं दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ट्रैक्स, ठीक है। और सेक्टर क्या है, जो ट्रैक है उसको डिफरेंट पोर्शंस में, स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड किया होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। मीन सेक्टर जो है ट्रैक का एक पार्ट होता है, ठीक है। एक ट्रैक पे काफ़ी सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, एक सेक्टर जो है उसमें 512 बाइट्स का होता है वो, ठीक है। टिपिकली मतलब मोस्टली इतने का होता है 512 बाइट्स का, ठीक है। तो ये था ट्रैक्स और सेक्टर्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कैशे मेमोरी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कैशे मेमोरी, ये देखिए कैशे मेमोरी 80 पेज नंबर पर है, इज़ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द वर्किंग ऑफ सीपीयू। ये इसकी मेन जो इसका बेनिफिट है यूज़ करने का, एक हाई स्पीड होती है और मतलब सीपीयू और जो मेन मेमोरी है उन दोनों के बीच में टैक एज ए बफर, मीन्स हमें जो बहुत जल्दी जल्दी हमें जो चीज़ें चाहिए, मेमोरी चाहिए, उसे हम कैशे मेमोरी में स्टोर करते हैं, मीन्स ये रैम से भी फास्ट है। इट इज़ यूज्ड टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जो हमें फ्रिक्वेंटली बार बार जो चीज़ें हमें चाहिए वो कैशे मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फास्टर है दैन मेन मेमोरी, इट टेक लेस एक्सेस टाइम, टाइम कम लगता है इसको एक्सेस करने में, स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हमें जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चाहिए वो हम इसमें स्टोर करते हैं। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्प्रेरी यूज़ के लिए यूज़ स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी कम होती है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव भी है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो गया, आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।